पब्लिक टीवी आपकी आवाज। जिला कृषि विकास और सांस्कृतिक प्रदर्शनी में मंगलवार को एक शाम बेटियों के नाम और एक शाम रंगमंच के नाम कार्यक्रम आयोजित हुआ। रामचंद्र शर्मा कन्या इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर मधुबाला त्यागी और जिला विद्यालय निरीक्षक प्रदीप कुमार द्विवेदी के संयोजन में एक शाम बेटियों के नाम कार्यक्रम में छात्राओं ने शानदार प्रस्तुति दी। डीएम राकेश कुमार और अपर जिलाधिकारी प्रशासन जगत पाल सिंह, मुख्य विकास अधिकारी मृदुल चौधरी, जिला कृषि अधिकारी डॉक्टर सुभाष चंद्र वर्मा के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। नेहा सैनी, वैष्णवी, दिव्या, दीपशिखा तोमर, खुशी, निशा और कशिश ने सरस्वती वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। एक शाम रंगमंच के नाम कार्यक्रम सीमा मोदी की देखरेख में हुआ। संचालन डॉक्टर प्रदीप शर्मा ने किया। पवन त्यागी, प्रवीण रस्तोगी और गोपी कृष्ण मौजूद रहे। आज ऑल इंडिया ओबीसी रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन मुरादाबाद मंडल की स्टेशन शाखा ने वाणिज्य विभाग में जारी अनियमितताओं के खिलाफ और ओबीसी रेलवे कर्मचारियों के शोषण के विरुद्ध आज डीआरएम ऑफिस में एक दिन का सांकेतिक धरने का आयोजन किया। जो वाणिज्य विभाग है, इसमें जो मुरादाबाद के सीआईटी स्टेशन है मिस्टर सुशील बाबू शर्मा, ये ओबीसी रेलवे कर्मचारियों का शोषण करते हैं। रेल को अर्निंग देने वाले कर्मचारियों का शोषण करते हैं। जो रेल को एक रुपए की अर्निंग नहीं देते, ये उनको संरक्षण देते हैं। तो हमारी डिमांड है कि सुशील बाबू शर्मा सीआईटी स्टेशन को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए एवं सीएमआई कैटरिंग श्री विनीत रंजन को तत्काल प्रभाव से उनकी सीट से हटाया जाए। विनीत रंजन अवैध वेंडरों का कारोबार चलाते हैं। आपने रेलवे के अंदर देखा होगा कितनी अवैध वेंडिंग होती है, इसके मास्टरमाइंड विनीत रंजन है। कलेक्ट्रेट से लगा के आज डीआरएम ऑफिस तक रेलवे संगठन के अलावा प्राइवेट संगठन धरना दे रहे हैं, लेकिन प्रशासन के कान में जूं तक नहीं रेंग रही। प्रशासन अपने कानों में तेल डाल के बैठा हुआ है। आपके चैनल के माध्यम से हम मांग करते हैं कि ऐसे भ्रष्ट सुपरवाइजरों को तत्काल हटाया जाए और उन्हें दंडित करके ट्रांसफर किया जाए। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।